नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और ख़ास वीडियो में। और आज आप देख ही गए होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और सर नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर? अगेन वेलकम टू चावला मोटर। सेम पैटर्न हमने एक बार पहले बनाया था, हाँ, एक्सयूवी का मेला लगाया था। आज कुछ नया सर, आज आपने कुछ, मैंने देखा एक्सयूवी हैं और उनमें भी अच्छी खासी कुछ अलग स्पेशल लगा रखी हैं आप। चावला मोटर फेमस ही सर सिर्फ कुछ नया के लिए है, कुछ नया दिखाऊंगा आज आपको, कुछ अलग ही। काफी दिन बाद मिले हैं, कुछ नया आज जो है हम कह सकते हैं कि जलजला टाइप होने वाला है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। कितनी एक्सयूवी लगी है अपने पास सर? 11 एक्सयूवी जितनी आ सकती है आपके कैमरे में फिलहाल तो लगा दिया। 11 एक्सयूवी हमने लगा रखी हैं। और जो पहले वाली जो एक्सयूवी थी सारी सर, वो तो सर कब की निकल गई? सब निकल गई ना, सब। वो तो दिवाली, हैप्पी दिवाली पे ही सब दिवाली हो गई थी। तब तकरीबन एक महीना हो चुका है और आज एक बार फिर से इन्होंने एक्सयूवी, इसमें कुछ अलग भी होंगी वो हम आपको वीडियो में एक एक करके दिखा देते कुछ हैं। नया बंद है सर आज, और आज नया है खास, तो वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही बेहतरीन कमेंट किए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज शुरू कर देते हैं, आज जलजला आप कहाँ से शुरू करोगे? सर आज की वीडियो में वाकई मेहनत है, हाँ, और कुछ अलग ही पन है। जो एक महीना हम गायब थे, हाँ, सिर्फ आपके, सिर्फ न्यू टू एक्सप्लोर के कस्टमर के लिए, और अपने सर, भी बहुत कुछ डिमांड आ रही थी कि चावला मोटर का है। मैं देख रहा था आपकी और वीडियो में कमेंट्स में, ये चावला मोटर का है। चावला मोटर सर हर डीलर कुछ ना कुछ, समझो रोज नई गाड़ी देता है, आज एक्सयूवी आ गई, आज ये आ गई एक दो। हम कुछ अलग करने की सोचते हैं, तभी मजा आएगा। नहीं मजा भी आएगा, और सबसे बड़ी बात होती है कि चावला मोटर्स गाड़ियों के कलेक्शन के साथ साथ वैरायटी में भी बड़ा फेमस है। अब एक ही तरह की आपको गाड़ियां मिलने वाली हैं, एक्सयूवी। ये तो यहां आपको कैमरे में 3-4 दिख रही होंगी, लेकिन कैमरे के पीछे उससे भी ज़्यादा हैं। तो शुरुआत यहीं से ही करेंगे सर, यहीं से ही शुरुआत कर दो। सिल्वर कलर की खड़ी हुई है सर, 2011 है सर, ऑल टाइम फेवरेट वही W8 आपकी। ओके, ये 2011 है, W8 है आपकी, जिसमें सारे फीचर आपको पता ही है, पूरी फीचर से लेस होती है आपकी, क्लास गाड़ी है। और रेट में आपको इसके बता ही देता हूँ, इसके 2011 के बता देता हूँ। 12 की एक कलेक्शन अलग आई है मेरे पास। 11 की अपने पास कितनी गाड़ियाँ हैं? 11 की हमारे पास है राइट नाउ, हमारे पास 3 गाड़ियाँ अवेलेबल है। 3 गाड़ी 11 हैं, जिनमें ये W8 है, W8 है आपकी, तीनों W8 है, तीनों W8 है। तो पहले थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन बता दो। स्पेसिफिकेशन तो सर इसमें क्या है, प्रॉपर आपकी 2017 मॉडल कहते हैं, 2011 मॉडल गाड़ी है आपकी, एलॉयस 17 इंची के एलॉयस होते हैं इसमें, ठीक है, पूरा लग्जरी सारा हर चीज परफेक्ट जैसे कहते हैं। ओके, आपके इसमें एयरबैग्स क्वांटिटी एयरबैग्स हैं आपके, इंटीरियर नेविगेशन वाला सिस्टम आपका, ठीक है, आपका स्टीयरिंग कंट्रोलर मॉड्यूल कंट्रोलर, काफी चीजें हैं सर, पूरी लग्जरी गाड़ी है। ग्राफिक्स की बात करें तो ये ग्राफिक्स अलग से लगे, ग्राफिक्स अलग से लगे, ये हमारे लगवाए हुए कस्टमर के लिए आपकी। तो ग्राफिक्स बाहर से मार्केट से लगे हुए हैं, बाकी लाइट हमको प्रोजेक्टर मिल जाती है। प्रोजेक्टर सर इसमें तो ये तो इनबिल्ट ही होती है आपकी, ऑडी वाले फीचर दिए हैं सारे इन्होंने, ठीक है, सारा HID लाइटें हो गई आपकी, पूरा चीते वाला हिसाब के साथ, बिल्कुल अलग ही चीज़ है सर, एक्सयूवी का मजा ही अलग है। 2011 है, मात्र 4.5 लाख रुपये, 11 जितनी भी है 4.5 लाख, W8 कोई भी ले लो 4.5 लाख रुपये, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कस्टमर के लिए न्यू टू एक्सप्लोर। ये तो सर हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप इतना प्यार दिखाते हो और इतनी बढ़िया कलेक्शन लेके आते हो कि बस पूछो मत। हम कलेक्शन मतलब तो सर सरप्राइज है, कुछ अलग ही हट गया, सरप्राइज तो है ही, अभी दिखाएंगे, देखो शुरू करेंगे। ब्लैक पैंथर सर, ब्लैक पैंथर 2012 मॉडल सर, पहले भी दिखाई है, ब्लैक खड़ी है, ये खड़ी है, ब्लैक की तो सर डिमांड आपको पता रहती है, शौकिया लोग आते हैं जो ब्लैक चाहिए उसको ब्लैक में ही बैठना। ये 2012 मॉडल है, W8 है, वही सेम स्पेसिफिकेशन है सारा, वही 17 इंची के अलॉय हो गए, टायर ब्रांड न्यू पड़े हुए हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सब वेल एंड गुड, बिल्कुल ओके, कुछ कराने की जरूरत नहीं किसी गाड़ी में सारी। छोटा मोटा पेंट वेंट है, एक आधा दो पीछे से कराने पड़ते हैं, बम्पर्स वगैरह हो गए, छोटा मोटा टचिंग होती है क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ होती है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, एक आधा दो पीस होते हैं बस, वही हम रेक्टिफाई करा के रखते हैं, वो भी कस्टमर को हैप्पी के लिए बस। चलिए 2012 के एक साथ हम प्राइस डिस्क्लोज करेंगे, 2012 के सर एक साथ करूंगा, कुछ अलग दिया हुआ है आज, अभी आप देखेंगे वीडियो में और भी है बहुत कुछ, बहुत कुछ है। चलो बढ़ते हैं एक और वैरायटी पे ही बात कर लेते पहले, क्योंकि ये भी सर 2012 मॉडल है, ये भी ये सिल्वर कलर आ गई है, 2012 सिल्वर कलर है आपकी, सेम स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ सेम है सारा, वही 17 इंची के अलॉयस, ABS सिस्टम, आपके एयरबैग्स हो गए आपके, हर चीज परफेक्ट जिसे कहते हैं। ओके, 2012 W8 ये भी है सिल्वर कलर। और चलो आप बढ़ते हैं एक और 2012, ये भी 2012 है सर, W8 है आपकी, ये व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर में है,
आपकी मैकेनिकली एक बिल्कुल क्लास पड़ी है गाड़ी, अभी आप देखेंगे इसमें अलॉयस कस्टमर ने बाहर से लगवाए हैं। ओके, ये 2012 होगी सर, तीन 2012 आपको दिखा दी, एक डब्ल्यू आपको 2011 दिखाई है, तीनों W8 है। अच्छा, ड्रिवन की बात करते हैं तो कितने से स्टार्ट है, कितने तक चलेगा सर ये? कम से कम स्टार्टिंग होती है 70 से लेकर 90-95 हज़ार तक होती है हमारे पास। अब आपको दिखा देते हैं सरप्राइज क्या है आज की जो खास गाड़ी है सर। ये तो सर आप ही गैस करो, आप जाते हो ये और ये मैंने नोटिस की, और सबसे पहली चीज़ कि मैंने वीडियो से पहले जानने की कोई कोशिश नहीं की कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इसमें और इसमें शेप सर, में अभी अंतर है। मैंने अभी आपका ताज़ा वीडियो देखा, अभी किसी डीलर पे गए हो, नाम तो मैं लूँगा नहीं, उसमें आपने खुद ही बताया रेट बताया, कोई 2015 मॉडल थी, यही शेप थी, शेप चेंज थी, 8.5-9 लाख रुपए आपने खुद बताया, 8.5 लाख बताया। अब वो अब देखो आप बताओ कौन सी आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल होगी, ये शेप आई थी सर 2015 में, ये 2015 में आई है, इसमें अंतर बता देते हैं उसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें सर आपकी प्रोजेक्टर लाइट चेंज हो गई थी, ठीक है, आपका बंपर चेंज हो गया था, ओके, फॉग लैम्प चेंज आपके, ये चेंज हो गए, बोनट चेंज आपका, ओके, और ये कुछ DRL लाइट टाइप का सारा शेप सर दिया ये सर पूरी आपका प्रॉपर चेंज हो गया था, सारा शेप देखो ना, पीछे डिक्की की बात करें डिक्की भी दिखाना, डिक्की की इसकी जो मूंछ होती है वो बड़ी होती है, ओके, और ये जो ग्रिल है ये भी चेंज, ग्रिल पूरी चेंज। दोनों गाड़ियां आप देखेंगे तो अलग अलग दोनों शेप की हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें एक राज है वो हम आपको जरूर सर बताएंगे। इसमें राज है ये आप देख सकते हैं 2012 और दिखा देते हैं फिर राज हाँ। बताएंगे ये भी 2012 खड़ी है, ये W6 है, ओके। इसमें फीचर्स की बात करें तो W8 और W6 के फीचर्स में थोड़ा सा फर्क आता है, अंतर आता है, इसमें एयरबैग की क्वांटिटी कम होती है, अलॉयस नहीं होते इसमें आपके, और अंदर से आपका जो सिस्टम होता है स्टीरियो होता है वो आपका नेविगेशन वाला नहीं होता। और बढ़ेंगे आगे और दिखा देते हैं आपको, रेड कलर में एक और खड़ी है, इनको अगर हम परिभाषित करें तो न्यू शेप कह सकते हैं सारी ऐसा न्यू शेप, लेकिन जो राज है वो हम 4-5 गाड़ी लगी हुई हैं वो इसी राज में तो मेहनत करी है सर 1 महीना पूरी, वो 2012 है सर, वो ये न्यू शेप इसकी हाँ। डिटेल अभी आपको देता हूँ 1 मिनट बाद, पहले आप गाड़ियाँ दिखा दो, ठीक है, ये गाड़ियाँ देख लो सारी, ये गाड़ियाँ देखिए सर आप, ये देख लो आप, ये रेड कलर की गाड़ी है, बढ़िया अच्छी खासी चमचमाती, सेम जो है ना 2012 जो हमने दिखाई है उसमें और इसमें अंतर है लाइटिंग का, लाइटिंग का प्रॉपर इंटीरियर का, बैक का, मतलब हर चीज परफेक्ट, सारी अलग अंतर है, कुछ अलग ही है सर ये हाँ। ये खड़ी होकर आपको खुद ही कहेगा कि बंदा 15 से ऊपर का मॉडल आप लेके घूम रहे हो, 2019 में भी यही शेप आ रही है। अभी बढ़ते हैं आगे और एक और गाड़ी दिखाते हैं, ये व्हाइट कलर आ गई, व्हाइट कलर है, तीनों सेम हो गई, क्लास देखो सर बिल्कुल नई, इतनी एक्सयूवी आज क्या चैलेंज के साथ, लिख लो सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कहीं पे भी आप किसी भी डीलर में चले जाओ इतनी एक्सयूवी कोई नहीं दे सकता सर। देखो भाई अभी हमने आपको 2012 ओल्ड शेप अभी दिखाई, 12 दिखाई है, 12 और 11 दिखाई है, यहाँ से तो बात ही अलग करूंगा सर, ये एक तीन हो गई, अब तीन बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 एक ही हो गई चौथी, ये सिल्वर कलर आ गई, ये सिल्वर कलर है हाँ। ये भी आपकी सिल्वर कलर है, ये भी सेम है, ग्रिल देखो ये W6 है, ये W8 है, ओके ओके, ये भी W8 थी वाइट वाली सर, ये तीनों W8 है, W8 ये W6 है, ये W6 है, है मॉडल मॉडिफाइड सारी टोटल आपकी मॉडल, अब मैं बताता हूँ सर आपको, एक और रह गई है ये हाँ, इस पे आगे बात करेंगे, एक ये भी आपकी सिल्वर कलर, आ जाओ आ जाओ इधर ही आ जाते हैं बात करते हैं। अब ये लास्ट गाड़ी हो गई, 5 गाड़ियाँ हो गई, जो हमने जो शेप दिखाई है ना सर, अब इसका जो राज है वो डिस्क्लोज कर दो। ये सर 2013 मॉडल है, ठीक है, 2012 मॉडल है, 2012 मॉडल है, 2011 मॉडल है, ओके, इनमें एक जो है 11 है, एक 11 है, 2 12 है आपकी, 1 13 है, और वो एक और जो स्टार्टिंग वाली वो भी 12 वो 12 है, मतलब 3 12 है। तो आज की डेट में सर 2019 मॉडल भी आ रही है, उसमें भी इंटीरियर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ में बेज इंटीरियर दिया हुआ है, किसी में चॉकलेट इंटीरियर दिया हुआ है, सिर्फ एक सनरूफ का फर्क आ रहा है 2011 में, W10 W8 आ रही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, मेन सिर्फ यही आता है, इसी से ही पता चलती है कि आप अपग्रेड मॉडल लेके निकले हैं। मतलब कहने का ये है कि ये आपको 2013 2012 2011 और तीनों न्यू शेप की, न्यू शेप में आपको मजे कम रेट में मजे आपको वही वाले देंगे सर। पहले तो 2011 वाली है, उसका प्राइस बता दो सर। 2011 4.5 लाख रुपए सिर्फ, 2011 W8 है, W8 है आपकी, सिर्फ 4.5 लाख रुपए में ये वाली जो आपने चारी मतलब आपको ये 15 वाली फील, 15, 16, 17, 18, 19 तो 15 के बाद वाली जो शेप है वो आपको 11, 12 और 13 में मिल रही है, और बहुत ही बढ़िया मेंटेन गाड़ियां होती हैं, मेंटेन प्रॉपर मेंटेन सर, शेप देख लो आप सर। पहले तो हमें 2011 4.5 लाख रुपए, 2012 5.25 लाख रुपए, 2013 आपको 5.5 लाख रुपए। हमारे जो जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर जितने भी उनके लिए सर, उन्हीं के लिए तो ये तोहफा है, ये तो तोहफा हो गया हाँ। सर बाकी जो जो बेस्ट टू बेस्ट होगा मैं करके दूंगा हाँ। क्योंकि ये सर ये बहुत कम स्टॉक आया हुआ है मेरे पास, इसको बनाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए सर, इसमें टाइम लगता है, ये तो जो फर्स्ट आएगा फर्स्ट ले जाएगा बस समझ लो।
हम बात तो कर ही रहे हैं, सारी गाड़ियां दिखा ही रहे हैं लोगों को, हम हर बार भरोसा देने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोगों के सवाल रहते ही रहते हैं कि मीटर को लेके कहते हैं कि सर हमारी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं होती मीटर में, 70-75-80 हज़ार चली गाड़ियां सर कुछ नहीं बिगड़ता, बाकी हम भी देखो पैसा खर्च कर रहे हैं इनमें, तो हम जाहिर है क्यों अपना पैसा, पहले मेरा पैसा लगा बाद में आपका लगा, तो मैं भी गलत चीज क्यों लूंगा सर। और जब ये देखो रेगुलर आपको इतनी एक्सयूवीयां दिखा रहा हूं, बिक रही है तभी दिखा रहा हूं, अगर कंप्लेंट आती तो सर हम भी क्यों करें। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, सबसे जेन्युइन है महिंद्रा का ये एमॉक इंजन है जिसका कुछ बिगड़ता ही नहीं, अगेन रिपीटेड एमॉक इंजन में कुछ नहीं बिगड़ता, आप 2 लाख चलाओ 2.5 लाख चलाओ बस मेंटेन सर्विस कराओ बस, कुछ भी नहीं बिगड़ता सर इसका जेन्युइनली है। चलिए अब ये हो गई, अब फिर आ जाते हैं ओल्ड शेप वाली और गाड़ी आ गई W8 2012 ये भी W8 2012 वो भी W8 2012 सर जितनी पुरानी शेप है आपकी वो 4,95,000 की पड़ेगी 495 2012 की जितनी भी शेप है आपको 4,95,000 रुपये में पड़ेगी 495 ओनली फॉर ओनली न्यू टू एक्सप्लोर के कस्टमर के लिए। बाकी आप लोगों के लिए जितना भी सारी गाड़ियों को कोशिश कर रहे हैं कि इंटीरियर दिखाएं बैक साइड और फ्रंट तो आप देख ही रहे हैं, मैं आपका रिपीट कर देता हूँ 2011 4.5 लाख रुपये 2012 4,95,000 जो पुरानी वाली शेप है 4,95,000 नई वाली शेप 5.25 लाख रुपए, सिर्फ एक 2013 मॉडल है आपकी नई शेप वो मिलेगी आपको 5.5 लाख रुपए की, उसके बावजूद भी जब वो तो प्यार है वो तो सर बैठेंगे ना टेबल पर बैठेंगे चाय कॉफी पियेंगे चाय के साथ में रिगार्ड जो होना है वो एक समोसे अलग खिलाऊंगा सर बाहर के कस्टमरों को साथ नाश्ता वास्ता करा के भेजते हैं। नहीं नहीं जितने भी सर कस्टमर आपने देखा ही है तो सर टोटल मिला के हमने 11 गाड़ी दिखाई है, उसमें 2-3 जो है बाकी 12 हैं और एक 13 है मेरे ख्याल से। तो अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ा फैसिलिटीज को लेके, सर लोन की फैसिलिटी सब गाड़ी में अवेलेबल है 2011 से 2011 12 13 सब गाड़ी में फैसिलिटी अवेलेबल है लोन की। कितने परसेंट तक हम लोन करा देंगे? 75% to 80% तक का लोन हो जाता है अगर कस्टमर बाहर का है, दिल्ली से बाहर का, ITI वगैरह हो अगर, या तो गवर्नमेंट का वो है एम्प्लॉय है आपकी सैलरी से वगैरह सब, मतलब वो अगर परफेक्ट पेपर है तो जल्द से जल्द पैन इंडिया करेंगे हम लोन। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया क्या इंडिया में बाहर से भी हो जाता है। गाड़ियाँ आप देख ही रहे होंगे बहुत बेहतरीन कंडीशन की, और ये मिला आपको ये चावला मोटर के अलावा पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा ये तो गारंटी है, और कलर वेरिएशन भी मिलेगा और कुछ में 11 से लेकर 13 तक गाड़ियाँ हैं और न्यू शेप वाली भी मिल रही हैं, ये आज के वीडियो की खास बात है। सर डॉक्यूमेंटेशन का जो हम काम कराएंगे वो यहीं से ही करा के देंगे या कस्टमर को धक्के खाने? बिल्कुल बिल्कुल सर, NOC वगैरह जो चाहिए सर वो मिलेगी आपको दिल्ली से अदर स्टेट की हर जगह की, जहाँ की NOC चाहिए वहाँ की मिलेगी। पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, जब यहाँ बैठेंगे मैं उनको प्रॉपर किसी प्रकार रस्ते तक के लिए भी कोई दिक्कत ना हो। खर्चा कितना आ जाता है पेपर वर्क में? 4,000 to 5,000 रुपये खर्चा सर NOC का। ठीक है, अब सारी गाड़ियों पे आप अपनी तरफ से क्या सपोर्ट गारंटी वारंटी क्या दे सर? अपनी तरफ से पूरी जो फर्स्ट सर्विस होती है जो गाड़ी के इंजन ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर वगैरह से वो चेंज होता है वो पहला हमारी तरफ से होता है। ठीक है, पूरी लाइट्स वगैरह सब चेक होती है, टायर्स वगैरह सारे हम परफेक्ट करके यहाँ से चेक करके देंगे, सब हवा पानी मतलब किसी प्रकार की बाहर के कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी। प्लस सबसे बड़ा जो मेन पंगा आता है पेपर वर्क का आता है, वो ऐसी चीज़ें बना के दूंगा सर कहीं पर भी आप गाड़ी चलाओ कोई आपको टच नहीं कर सकता। ओके, मतलब सारा आप परफेक्ट सर, किसी कस्टमर को दिक्कत की जरूरत ही नहीं है। फैसिलिटी आपको पता ही है, आपने देख ली, सपोर्ट आपको मिलेगा, गारंटी वारंटी हम इंजन और ट्रांसमिशन की तो दे सकते हैं, बोल सकते हैं गारंटी है सर हमारी चावला मोटर की प्रॉपर गारंटी रहती है। मैंने आपको बताया कि पहले पैसे हमारे लगे हैं अब आपके लग रहे हैं, तो मैं पहले पैसे लगाऊंगा तो मैं भी तो अच्छा, कोई आदमी गाड़ी को ले जाके चेक कराना चाहे तो सर अपने को क्या दिक्कत है? वेलकम है ना सर, पूरी 100% वेलकम है, पैसा खर्च रहा है 10 बारी चेक करा है। ओके, कहीं भी चेक कराओ, बिल्कुल बिल्कुल सर वेलकम है, अपनी तरफ से पूरी गारंटी है, बाकी किसी को कोई डाउट हो अपना मैकेनिक लाके किसी भी लाके किसी को भी प्रकार की पूरी सेवा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, तो भाई आज का तो बहुत जबरदस्त और शानदार कलेक्शन, और सर आपको आते रहेंगे सर, अगला मेला कुछ अलग ही दिखाएंगे आपको। अभी तो इस हफ्ते एक और चीज़ मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि इस हफ्ते चावला मोटर के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और सारे एक्सक्लूसिव वीडियो होंगे और न्यू कलेक्शन होगा कुछ स्पेशल दिखा। वो तो मैं आपको रोज बुला लूँ सर, 4 होंडा आई है आ जाओ करा लो, 4 सिविक आई है करा लो, मजा नहीं ये मजा है, कुछ अलग होगा तभी मजा है। चलिए सर ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, होप कि लोगों को पसंद आए अच्छा रिव्यू मिले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और बहुत ही शानदार कलेक्शन आज मैंने आपको दिखाया है, शायद ही आपको पूरी दिल्ली में ऐसा कलेक्शन कहीं मिले। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखना और अपनी राय ज़रूर रखना, मुझे बताना ज़रूर, और प्राइसिंग कैसी रहती है चावला जी की ज़रूर लिखना। बाकी कोई भी क्वारी हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। वही दो बातें मेरी, स्वस्थ रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इन्हीं दो बातों और इन्हीं दो शब्दों के साथ मिलता हूँ एक और नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।